मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश में CAA लागू हो गया है, जिसके बाद से कहीं इस बात का विरोध हो रहा है तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लागू होने से खुश हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है पाकिस्तान से आए वो 70 लोग जिन्हें अब नागरिकता मिलने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान से आए 70 लोगों को मोदी राज में नागरिकता मिलेगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर। दरअसल CAA लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिनमें शामिल है पाकिस्तान से आए 70 लोग। पाकिस्तान से आए 70 लोगों को मिलेगी नागरिकता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयपुर में अभी भी ऐसे परिवार रहते हैं जो पाकिस्तान समेत अन्य देशों से यहां आकर बसे हुए हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली है, जिनमें ज्यादातर सिंधी समाज के लोग शामिल हैं। 70 लोग हैं जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है और अब उन्हें नागरिकता मिलने का इंतजार है। वो लोग पाकिस्तान से आए हैं, CAA लागू हो चुका है तो इन पाकिस्तान से आए 70 लोगों को नागरिकता मिलेगी। जैकबाबाद सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, सिंधी समाज भारत के अभिन्न अंग संघ का हिस्सा था। पुरानी सरकारों ने राजनीति कर पाकिस्तान को दे दिया। सिंधी समाज के लोगों ने अपने धर्म और परिवार को बचाने के लिए पलायन किया। हमने वीजा लिया और नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ा, लेकिन पिछली सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। समाज के लोग 30 से 40 साल तक परेशान रहे। वहीं हरीश राजानी ने मोदी सरकार की तारीफ में कहा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों से लंबित इस कानून को लागू कर लाखों लोगों को राहत दी है। इससे पड़ोसी देशों से आए हमारे कई भाई बहन भारत की नागरिकता प्राप्त कर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। वही पंचायत के संरक्षक प्रताप राय ने कहा कि इस कानून के लागू होने से विशेषकर पाकिस्तान से सिंधी समाज के लोगों में खुशी की लहर है। इस कानून से उनका और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यानी अब पाकिस्तान से आए इन 70 लोगों को मोदी राज में नागरिकता मिलेगी, यानी मोदी नागरिकता देंगे। अब आपको CAA के बारे में भी आसान भाषा में समझा देते हैं। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें जो देश शामिल है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता मिलेगी। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है, तो भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। अंत में आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू देकर इसके लागू होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया, पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, देवर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो, भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए, जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे, आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी है, बांग्लादेश भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था, मैं 51 की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहाँ गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध, लगभग 200,000 सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए।
क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया, उसका भी तर्क नहीं है फिर तो।